दोस्तों आज मैं आपके लिए हाथ और पैरों को गोरा बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। दोस्तों आपके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा काले हो गए हैं, तो आपके हाथ और पैरों को गोरा बना देगा ये नुस्खा। साथ ही दोस्तों आपके हाथ और पैरों पर जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी है उसको भी साफ़ कर देगा और आपके हाथ और पैरों को काफ़ी गोरा और मुलायम भी बना देगा। इस नुस्खे में मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें ली हैं वो आपको घर में ही आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है वो नुस्खा। इससे पहले अगर आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके लिए आपको सबसे पहले खाली कटोरी लेनी है और इस खाली कटोरी में दोस्तों आपको लेना है वो है नींबू। दोस्तों हम आधा कटा हुआ नींबू लेंगे और उसको पूरा निचोड़ देंगे। दोस्तों नींबू हमारी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है, ये हमारी त्वचा पर जितनी भी धूल मिट्टी होती है उसको बाहर निकाल देता है और हमारी त्वचा को काफ़ी गोरा बना देता है। अब इसके बाद हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे वो है दोस्तों सिंपल वाला कोलगेट का पेस्ट, और हम इसमें इतनी सी मात्रा में सिंपल वाला कोलगेट का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा अच्छे से मिक्स होके तैयार है। अब इसमें हम अगली चीज़ ऐड करेंगे वो है दोस्तों एक शैम्पू। हम एक शैम्पू लेंगे और इसको काट कर पूरा इसमें हम ऐड कर देंगे। साथ ही दोस्तों हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे वो है दोस्तों चुटकी भर हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा अच्छे सा पेस्ट बनके तैयार है। अब इसे जो लगाने का तरीका वो ये है, आप इस तरीके से अपनी उंगलियों पर लेकर इस तरीके से अपने हाथ और पैर पर इस तरीके से इसे लगा लें। फिर दोस्तों आपको 15 मिनट तक के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा तब आपको इसे सादा पानी से धोकर साफ कर देना है। इस नुस्खे को आप हफ्ते में 2 बार करें। 2 बार के इस्तेमाल से आपके हाथ और पैर काफ़ी ज़्यादा गोरे चमकदार और मुलायम दिखने लगेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाती हूँ कोई अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।